गेट 1992 में क्वेश्चन आया है देखो कि अ कंप्यूटर सिस्टम हैज सिक्स टेप ड्राइव्स विद एन प्रोसेसेस कंप्यूटिंग फॉर देम, ईच प्रोसेस मे नीड थ्री टेप ड्राइव्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द सिस्टम इज गारंटेड टू बी डेडलॉक फ्री इज, ठीक है। फिर हमारे पास चार ऑप्शन है, क्या दिया हुआ भाई इसके अंदर, हमारे पास छह टेप ड्राइव है, छह टेप ड्राइव है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा रिसोर्स दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारा रिसोर्स कितने हैं, छह, ठीक है, विद एन प्रोसेसेस कंप्यूटिंग फॉर, ठीक है, हमारे यानी कि हमारे को क्या फाइंड करना है, प्रोसेसेस फाइंड करना है, ये जो एन प्रोसेसेस कंप्यूट करना है उस एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को, ठीक है, और हमारे को क्या दिया हुआ, ईच प्रोसेस मे नीड थ्री टेप ड्राइव, ठीक है, हमारे जितने भी प्रोसेसेस है वो कितने टेप ड्राइव वो कर रहे हैं भैया, हमारे को ये हमारे को रिसोर्सेस दिए दिया हुआ है सिक्स, और एवरी वन यानी जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबको कितने वो मिले हुए हैं, थ्री रिसोर्सेस की जरूरत है, दैट मींस थ्री टेप ड्राइव्स की जरूरत है, थ्री टेप ड्राइव, टोटल रिसोर्स कितने, टोटल सिक्स टेप ड्राइव्स है हमारे पास, और हर एक प्रोसेस को हम तीन टेप ड्राइव बता दे पकड़ा दे रहे हैं, तो हमारे को बताना क्या है कितने प्रोसेसेस को हम ये छह टेप ड्राइव दे और एवरी प्रोसेस को कितने चाहिए, तीन टेप ड्राइव चाहिए, तो हमारे को बात करना बताना है कि कितने नंबर कितने प्रोसेसेस होंगे जहां पे हमारा डेडलॉक फ्री होगा, तो मेरे ख्याल से यही ऐसा ही एग्जांपल कुछ लेकर के हमने पहले किया था जिसके अंदर हमारे को भी फाइंड क्या करना है, मेरे को प्रोसेस फाइंड करने हैं, ठीक है, हमारे पास छह रिसोर्सेस दिए हुए हैं, ठीक है, और हर एक प्रोसेस को तीन रिसोर्स चाहिए और हमारे को प्रोसेस बताना है कितने प्रोसेसेस को बातें दो कि हमारा डेडलॉक ना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम सबको एक कम प्रोसेस पकड़ा देते हैं, जैसे कि हमारे को सबको तीन तीन चाहिए ना, तो एक कम पकड़ाओ, इसको दो पकड़ाओ, इसको दो पकड़ाओ, दैट मींस दो से कट के चार हुआ, चार से कट के छह से दो पकड़ा दिया, चार बचा, दो बचा, दैट मींस अब ये पूरा खत्म हो गया, दैट मींस हमने सबको तीन तीन प्रोसेस चाहिए ना, सबको तीन 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 टेप ड्राइव चाहिए, ठीक है, सबको तीन तीन टेप ड्राइव चाहिए, हमारे पास टोटल छह टेप ड्राइव है, ठीक है, तो हमने छह टेप ड्राइव ऐसे बांट दिए, दो इसको दिया, दो इसको, दो इसके, हम अपना रिसोर्स के बारे में बात करते हैं, टेप ड्राइव को बोल जाओ, हम रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है, सबको हर एक प्रोसेस को तीन तीन रिसोर्स चाहिए, हमने एक कम रिसोर्स सबसे पकड़ा दिया, सो हमारे को ये क्या फाइंड हो गई हमारी, ये मिनिमम वैल्यू पता लग गई हमारे को जहां पे डेडलॉक है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू पता लग गई, मिनिमम प्रोसेसेस जहां पे डेडलॉक हो सकता है, ठीक है, मिनिमम प्रोसेसेस पता लग गए, मिनिमम थ्री प्रोसेसेस पे हमारा क्या है, डेडलॉक है, अगर आप इससे ज्यादा कितने ही प्रोसेसेस को पकड़ाते जाओ डेडलॉक तो रहेगा ही, दैट मींस अगर आप चाहते हो कि ये डेडलॉक फ्री हो तो आपको क्या करना होगा, एक कम पकड़ाना होगा, दैट मींस आप तीन प्रोसेसेस को मत पकड़ाओ क्योंकि तीन प्रोसेसेस पे डेडलॉक हो जा रहा है, आप सिर्फ दो ही प्रोसेसेस को पकड़ाओ, ठीक है, दैट मींस मैक्सिमम दो प्रोसेसेस को पकड़ाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, नो डेडलॉक, ये मैक्सिमम दो क्यों है, क्योंकि अगर आप एक को भी पकड़ाते हो तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा, एक को पकड़ाओ किसी को भी मत पकड़ाओ, जैसे कि अगर आप क्या बात है हमारी, हमारे को रिसोर्सेस बांटने हैं, देखो हमारे को रिसोर्सेस बांटने हैं, हमारे को रिसोर्सेस मिले हुए हैं छह, ठीक है, हम दो में बांट सकते हैं तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है, इसको तीन पकड़ा दिए, इसको तीन पकड़ा दिए, छह बढ़ गए, हमारा डेडलॉक नहीं हुआ, इसको तीन की जरूरत थी, इसको तीन की जरूरत थी, मिल गई, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इससे कम में भी काम चला दो, आप एक ही प्रोसेस, आपको रिसोर्स ही तो बांटने हैं, आप एक ही को पूरे के पूरे छह पकड़ा दो, बट वो मैक्सिमम नहीं होगा ना, मैक्सिमम प्रोसेसेस नहीं होंगे ना, आपको मैक्सिमम प्रोसेसेस बांटने हैं कि मैक्सिमम आप दो को बांट सकते हो तीन तीन, ठीक है, उससे ज्यादा को नहीं बांट पाओगे, उससे ज्यादा को नहीं बांट पाओगे, ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा को बांटने की कोशिश करोगे तो आप बांट करके देख लो आपका डेडलॉक अराइज हो जाएगा, आप सपोज करो P3 को पकड़ाओ, इसको मैक्सिमम इसका पकड़ा दिया, इसको मैक्सिमम पकड़ा दिया, इसको मैक्सिमम पकड़ा दिया, यहाँ पर डेडलॉक आ गया, ठीक है, मैक्सिमम कितना चाहिए, तीन चाहिए इनको डेडलॉक ब्रेक करने के लिए, तो हम डेडलॉक हो जा रहा है यहाँ पे, अगर हम तीन ले रहे हैं तो तीन ले रहे हैं, दैट मींस डेडलॉक हो जा रहा है, और दो रह गए तो हमें डेडलॉक खुल जा रहा है, उससे कितना भी नीचे लेते रहो डेडलॉक खुला ही रहेगा, अगर आप तीन से चार 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 पांच छह सात लेते रहोगे डेडलॉक होता रहेगा, ठीक है, So, इसको कैसे करना है हमारा, तो अभी इसकी तो हमारे को आंसर पता लग गया कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जहां पे डेडलॉक ना हो क्या होगा, दो, ठीक है, या फिर हम एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं,
वैसे हमने इसको समझ लिया ना कि कैसे है भैया हमारा रिसोर्सेस दिए हुए हैं 6 और सबको भैया चाहिए 3, ठीक है। सो हमारे को प्रोसेसेस में बांटना है, ठीक है। सो एन प्रोसेसेस को आप एक कम पकड़ाओ, ठीक है। और टोटल है हमारे पास 6, दैट मींस एन की वैल्यू आ गई 3, जहां पे क्या होगा हमारा डेडलॉक होगा, यहां पे डेडलॉक होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या मिल गई, मिनिमम वैल्यू मिल गई जहां पर डेडलॉक है। आपको फाइंड क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू जहां पर डेडलॉक नहीं है। तो आप इसमें से एक माइनस कर दो, है इसमें से एक आप माइनस कर दो, माइनस वन कर दोगे, दैट मींस एक रिसोर्स कम करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 2, जहां पर हमारा क्या होगा डेडलॉक जहां पे नहीं होगा, ठीक है। दैट मींस आप 2 पे भी डेडलॉक नहीं होगा, 1 पे भी डेडलॉक नहीं होगा, 0 पे भी डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक किस किस पे होगा, डेडलॉक होगा 3 पे डेडलॉक है भैया, 4 पे डेडलॉक, 5 कितना भी बढ़ा दे रहे हो डेडलॉक, ठीक है। या फिर आप एक और एग्जांपल लेकर के कर लो भाई, हमारा सपोज करो कि हमारे पास रिसोर्सेस है 14, एवरीवन नीड्स 3 रिसोर्स, ठीक है। और हमको फाइंड करना है भैया प्रोसेसेस, कितने प्रोसेसेस को बांटे, ठीक है। सो पी प्रोसेसेस को बांटना है, सबको 3 देने हैं, आप सिर्फ 2 पकड़ा। कितनों को बांटना है, 14 जनों को बांटना, 14 रिसोर्सेस है हमारे, सबको 2-2 पकड़ा दो, 3-3 की जरूरत है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 पे क्या होगा डेडलॉक। तो आप क्या करो, एक प्रोसेस कम को बांटो, दैट मींस प्रोसेस बांटो 6, यानी कि 6 जनों को बांटो, ठीक है। 6 जनों को बांटोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू जहां पे आपका नो डेडलॉक है। ये क्या है मिनिमम वैल्यू, 7 क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू जहां पे क्या है डेडलॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता लग गया 2 है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका 2, है ना, आप 2 में बांट सकते हो।